नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। बिहार चुनाव की आग अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बिहार चुनाव के परिणाम का प्रभाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो चर्चे चल रहे हैं देश में, तमाम मीडिया संस्थानों में चर्चे चल रहे हैं और पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा चल रहा है कि बिहार चुनाव निर्धारित करेगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम कैसे होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव का जो एक तस्वीर बन रहा है, जो एक रणनीति आगे की बनाई जा रही है, उस पर बिहार चुनाव के परिणाम काफ़ी प्रभाव डालेंगे अपने। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई, खास तौर से कांग्रेस को जो इतनी कम सीटें हासिल हुई, इससे साफ तौर पे जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में भी ये स्थिति बनने वाली है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरी, वो भी प्रभाव साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ओएसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी चुनावी घोषणा कर दिया है और अभी से यह निर्णय कर लिया है कि वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और अपना प्रदर्शन बरकरार रखेंगे। बिहार चुनाव में ओएसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल की, ये काफ़ी आश्चर्यजनक चीज बात है और वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए कि ओवैसी शायद अब उनके पार्टी का कद बढ़ रहा है और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी वो अपना जलवा कायम कर सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका ये मानना है कि बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीट जो मिली है उसमें ओवैसी की जीत नहीं है, दरअसल ये महागठबंधन की कमजोरी है। महागठबंधन के नेताओं ने मुस्लिम वोटर्स को पर विश्वास नहीं कायम कर पाए, जिसकी वजह से एक तरफा मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण उन 5 विधानसभा सीटों पर हुआ जिन सीटों पर ओवैसी को जीत मिली। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी आत्ममंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं हार के लिए। आपको बता दें कि तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम सच को स्वीकार करना चाहिए, हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये इसके लिए उत्तरदायित्व जो है कांग्रेस का ही है, जिसकी वजह से महागठबंधन को की हार हुई। सबको पता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से उनका प्रचार का तरीका है और मंचों में खुलकर उन्होंने अनुच्छेद 370 जैसे विषय को फिर से दोहराया, उसको फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करवाने की बात की, इन सब का प्रभाव चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला। कांग्रेस जो कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई, ये कांग्रेस की बड़ी हार है। जो कि लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पे हमलावर कांग्रेस रहती है और बोलती है कि जनता 2024 में सबक सिखाएगी, लेकिन तस्वीर आप सबके सामने स्पष्ट है। जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की थी वो अभी भी बरकरार है, लेकिन राहुल गांधी खुद पहले से ही लोकप्रियता बहुत घटी हुई थी और वो निरंतर घटती जा रही है। तारिक अनवर, कांग्रेस के नेता, ने दोबारा ट्वीट करते हुए कहा कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन कर जरूर करना चाहिए कि उससे कहां चूक हुई। एमआईएम बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है, यानी कि एमआईएम पे भी उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उसका कांग्रेस बिहार में जो एंट्री हुई है, 5 सीटों पर जो जीत हुई है ओवैसी की, यह बिहार की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर जाहिर है कि जो ओवैसी हैं वो सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं, मुस्लिम समुदाय की राजनीति करते हैं, वो हिंदुत्व पे हमेशा हमलावर रहते हैं और इसीलिए अब कांग्रेस को भी डर है। और उसके अलावा कांग्रेस को यह भी डर है कि कांग्रेस भी तो वही मुस्लिम वोट बैंक को साधता है, लेकिन अब उनकी मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी सेंध लगा रहे हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस के अलावा पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर ओवैसी ने अपना एक बयान जारी किया है। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी वो लड़ेंगे। इस पर ममता सरकार के में मंत्री फरहाद हकीम ने कहा, ओवैसी बीजेपी के हिस्सा हैं, बंगाल में वोट बटेगा नहीं। ओवैसी को वोट कठुआ कहा जाता है क्योंकि वो जहां जाते हैं मुसलमानों का वोट काटते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। खैर, बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए फरहाद हकीम ने कहा, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहां कोई खास लाभ मिला, क्योंकि एनडीए की सीटें कम हो गई हैं और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। शायद वो भ्रम में है, आरजेडी एक बीजेपी से एक सीट अधिक पाई है, लगभग दोनों बराबर हैं, और खास तौर से जब आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी हो और बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ रही थी। बीजेपी नीतीश के छोटे भाई के रूप में, जदयू के छोटे भाई के तौर पे बीजेपी बिहार में थी, लेकिन आज 74 सीटें जिस तरीके से भारतीय जनता को प्राप्त हुआ, ये बीजेपी के लिए बड़ी सफलता है। तो उन्होंने यह भी कहा कि ये बीजेपी विभाजन की नीति करती है और ये तमाम आरोप जो लगाया फरहाद ने, लेकिन उनमें डर साफ तौर पर है कि अगर ओवैसी बिहार पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवैसी को मुस्लिमों का वोट कहीं ना कहीं मिलेगा, एक हद तक मिलेगा। और अब जबकि बिहार में 5 सीटें ओवैसी ने हासिल कर लिया है, तो ये संकेत है कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होगा, ध्रुवीकरण होगा, जिससे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का वोट बैंक कर सकता है। ममता बनर्जी हिंदुओं का के वोट की चिंता कम करती हैं, मुसलमानों की वोट की चिंता उन्हें बहुत ज्यादा है, वो मुसलमानों के वोट बैंक पर हमेशा उनका टारगेट रहता है। लेकिन अगर असुद्दीन ओवैसी जाके वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिमों के वोट में कटौती होगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। खैर, बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस नए तरीके से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है और 2014 से ही लगातार हार जो हो रही है, इससे काफ़ी परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब तो राहुल गांधी को आप हटा दो। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कर संभालते रहेंगे, ये हार उनको मिलती रहेगी। और उसके अलावा अब जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जिन जो नेता राहुल गांधी की जो भी उनकी सेना है, जो भी उनके खास जो नेता हैं, वो सब पूरी तरीके से नकारे जा चुके हैं, जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। ये आत्ममंथन कांग्रेस कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी में कांग्रेस ने तो यह आरोप भी लगाया कि ओवैसी वोट कटुआ है और बिहार में उनकी आने की वजह से आरजेडी को बहुत घाटा हुआ, लेकिन ओवैसी ने यह भी साफ किया कि हमारे आने से अगर बिहार में घाटा हुआ तो आप मध्य प्रदेश में बुरी हार क्यों हारे, आप उत्तर प्रदेश में क्यों बुरी हार हारे, गुजरात में बुरी हार क्यों हुई कांग्रेस की। जाहिर सी बात है कांग्रेस की बुरी हार हर जगह हुई है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में मात्र 7 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जबकि वो सारी सीटें पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, अपनी ही सीटें खो दिए कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में 8 में 7 सीटें बीजेपी ने हासिल किया, गुजरात में 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, बुरी हार कांग्रेस की हुई, कर्नाटक में भी बुरी हार हुई कांग्रेस की। तो ये एक संकेत है कि जनता अब उन मुद्दों पे चुन रही है सरकार को, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, जो देश की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो भारतीय संस्कृति की बात करेगा, जनता सिर्फ उसी को चुनेगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।